राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित 46वीं जवाहरलाल नेहरू राज्य विज्ञान गणित और पर्यावरण मंडल स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2018 का आयोजन राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में किया गया था, जिसका समापन शुक्रवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल के तत्वाधान में आयोजित किया गया। प्रदर्शनी की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य नंद प्रसाद यादव ने किया। कार्यक्रम का संचालन भौतिकी विज्ञान के प्रवक्ता ज्ञानेश पांडे ने किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय के उप सचिव रुद्र प्रताप सिंह को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। जूनियर वर्ग में मोहम्मद तारिक, राजन विश्वकर्मा, शिव जगत सिंह, शिफा तबस्सुम, अभिमन्यु कुशवाहा और सुमन शर्मा ने अपने अपने विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सीनियर वर्ग में मृत्युंजय कुमार मिश्रा, आलिया खान, राजन कुमार, शाहिद सिद्दीकी और प्रांजल मिश्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अध्यापक वर्ग में स्वेच्छा त्रिपाठी, विनीता, निखिल कुमार, अंकित कुमार, अमित कुमार पटेल और ऋतिक विशाल दुबे ने अपने अपने विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल में सुरेश कुमार शाह, विजय कुमार सिंह और किरण कुमारी रहीं। मुख्य अतिथि और निर्णायक मंडल ने प्रदर्शनी में चयनित छात्र छात्राओं को शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रदर्शनी में चयनित सभी छात्र छात्राओं को 18 से 21 दिसंबर तक आगरा में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में मॉडल प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय के उप सचिव डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह ने कहा, छोटे छोटे इनिशिएटिव से एक यूनिवर्सिटी दिमाग दिमाग में आएगी, एक चीज पहले डाल दें या बाद में डाल दें या ये चीज मिला दें, सर वीके सिंह सर और किरण सर दिनेश राज पत्र पदों पर गए हैं और डॉक्टर आरपी सिंह जी तो बात ही कुछ है। आज भी बहुत शॉर्ट नोटिस पर प्रिंसिपल साहब ने अनुरोध किया आपसे कि आवेदन कर रहे हैं, तो ये मंडल भी इस प्रदर्शनी का आयोजन 1971 में शुरू हुआ था। उस समय 1971 में इसका आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी और यूजीसी ने दोनों ने मिलकर किया था। 1972 से केवल एनसीईआरटी कराती है इसको राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें हर साल एक मुख्य विषय होता है। इस साल भी विषय था, उस विषय में 6 उप विषय होते हैं। उस 6 उप विषय में बहुत सारे कहें कि पुनः उप विषय होते हैं, मतलब इसमें जो है कोई लिमिटेशन नहीं होता, किसी भी चीज पर बना सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें ये भी छूट दी गई है कि कुछ विज्ञान या गणित के ऐसे विषय होते हैं जो बच्चे सोचते हैं और जिसका मॉडल नहीं बनाया जा सकता। आज का ये कार्यक्रम मॉस्को में, अगर हम बड़ा ही प्राइमरली बात करें, आप लोगों से बात ही हम लोग दस कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई संबोधन कर रहे हैं या फिर कोई हम स्पीच दे रहे हैं, बस इंटरैक्टिव वे में हम आपसे बात कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि साइंस हमारे लाइफ से इनसेपरेबल है, साइंस जीवन से अलग नहीं हो सकता। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आज जीवन के जितने चैलेंजेस हैं, अगर हम उनसे निजात पा सकते हैं, उनका अगर समाधान हमें कोई विधा दे सकता है तो विज्ञान है। आप सब लोग अपने मॉडल्स के साथ यहाँ प्रतिभाग किए, अपने अपने मॉडल्स लेकर आए, मैं आया, परिणाम भी आप लोगों के मॉडल्स के हैं, जिसमें विजेता और विजेता जजेस भी अपने आइटम्स में चुने गए वो है। और इसमें भी हमारे वक्तागण थे, वक्ता साथी थे, सब लोगों ने कहा कि लिटरेचर आप प्रिपेयर करो या फिर जहाँ कमियाँ रहीं आपको हम लोगों ने उस कमियों के बारे में अवगत कराया, अपने अवेलेबल सजेशंस दिए आपको। लेकिन मेरा ये मानना है, ये अभाव है, आज जो आपकी संख्या है मेरे दृष्टि में बहुत ही अल्प है, तो आपके अंदर वो अभी प्रेरण है स्वयं का, जो सेल्फ मोटिवेशन है वही है जो आपको यहाँ लेकर के आया है, आपको आगे भी लेकर के जाएगा। जितने भी बड़े बड़े हमारे साइंस के इंस्टीट्यूट्स हैं, नासा ले लो आप, डीआरडीओ ले लो, सीमेप ले लो, कोई भी ले लो,
वहाँ आप ही और हम हमारे बीच से बच्चे निकल करके जाते हैं और शायद उनका भी प्रारंभ ऐसे होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हमारी आवश्यकता होती है, एक प्रोवर्ब भी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आप इसको महसूस कर रहे हैं। प्रिमिटिव लाइफ में भी अगर हम देखें तो हमारे जो आदिमानव थे उनको अग्नि की अगर उन्होंने आविष्कार किया, उनको आवश्यकता महसूस हुई, वो शायद रॉ फ्लेश यूज किया करते थे, अनराइप वो फूड लेते थे, फिर उन्होंने क्या किया, उस दिशा में सोचना शुरू किया, फिर हम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमको मिला कि उन्होंने अग्नि का आविष्कार किया। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मेरी दृष्टि में वो ये है कि थिंकिंग न्यू थॉट्स, अगर आपका सोचने का, आपका क्रिया करने का, आपका पेनिट्रेटिंग इंसाइट अगर डिफरेंट नहीं है तो आप कोई नया चीज खोजने नहीं जा रहे, आप कोई नई उपलब्धि समाज को अपने योगदान के रूप में नहीं देने जा रहे। तो थिंकिंग न्यू थॉट्स ऑलवेज एनेबल्स यू टू मेक सच टाइप ऑफ इन्वेंशन, मेरा ऐसा मानना है। अगर देखो घटनाएं वही होती हैं, वही घटनाएं होती हैं, एक आदमी उस घटना से क्या करता है, उसकी प्रतिक्रिया उसको अलग बनाती है, उसकी प्रतिक्रिया उसको रिकॉग्नाइज कराती है। आप लोगों ने ये दृष्टांत सुना होगा कि आइजक न्यूटन एप्पल के बगीचे में जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक वृक्ष से उनके सामने एप्पल एक टूटा, उसके टहनी से और नीचे गिरा। ही स्टार्टेड थिंकिंग, ये क्यों नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, इसकी ऊंचाई 20 फीट है अगर पेड़ की, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो उसने क्या किया, न्यूटन ने सोचना स्टार्ट किया। फिर आपके सामने ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ है कि गुरुत्वाकर्षण किससे किस तरह से पृथ्वी का काम करती है, और इस वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किया। गणपी ये 46वीं जवाहरलाल नेहरू प्रदेश स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी था जिसका ये मंडल स्तर पर आयोजन था, मंडलीय सेगमेंट था। जिले से चयनित प्रतिभागियों ने यहाँ जिले से चयन प्राप्त करने के बाद यहाँ मंडल में चयन किया था। अब मंडल में प्रतिभाग किया था अपने अपने मॉडल्स के साथ, मॉडल्स उनके अच्छे थे, बच्चों में उत्साह था और प्रयास उनका अच्छा था।